हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में एक बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज केम इन टेक महिंद्रा एंड प्रॉपर वेरीफाई करके दिखाएंगे सारी चीज़ें कि हाँ एक वेरीफाइड पोस्ट है, आपको अपॉर्चुनिटीज इमीडिएट ज्वाइनिंग है। पहली चीज़ तो दैट इज जल्दी से जल्दी अप्लाई करके आप लोग को जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग का सारी चीज़ें बताई जाएंगी जब आप सेलेक्ट होते हो, ठीक है। सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, किसी भी ईयर का ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है एंड आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते हो, एक एक चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, एक एक चीजें आपको बताने वाला हूं, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, तो आपको शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, रिज्यूमे में क्या डालो क्या ना डालो तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। एंड मैंने एक आपको कोर्स भी दिया है, दैट इज इन एक्सेल कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेल कोर्स, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, अभी भी वो फ्री चल रहा है। एक्सेल 100 यूज करो, अगर वो कूपन कोड चल रहा है नीचे में डिस्क्रिप्शन में, जो भी लेटेस्ट कूपन कोड चल रहा होगा वो मैं नीचे डाल दूंगा, आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। अभी मैं कहूंगा एनरोल करके रख लो, एटलीस्ट हो सकता है कभी बाद में काम आ जाए, एटलीस्ट इंस्टॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक जाके यूज करो। और गीक्स ऑफ गीक्स का जो कार्निवल आया हुआ, दैट इज गीक्स ऑफ गीक्स हैव कम अप विद समर कार्निवल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज अ समर कार्निवल जिसमें ढेर सारे ऑफर्स, ढेर सारी चीजें आई हुई हैं। दैट इज यू कैन सी देयर आर डिस्काउंट, देयर आर फ्रीबीज, देयर आर जॉब फिएस्टा, जॉब्स भी हैं लाइक आपके इंटर्नशिप के ऊपर है, जॉब्स के ऊपर है, उसके बाद नंबर ऑफ कोर्सेज पे आप इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। एंड द लाइक द डेट इज फ्रॉम 5th April till 11th April is the last date of this carnival, ठीक है, Geeks Carnival, Geeks for Geeks की तरफ से आया हुआ है। एंड यहाँ पे देख लो, दैट इज नीचे जो आप फ्रीबीज भी हैं, ढेर सारे डिस्काउंट्स हैं, यू कैन सी हियर दैट दीज आर द लाइक स्पॉन्सर्स ऑफ द इवेंट, बेवकूफ.com, रेज कॉफी, स्टूडेंट पीप्स, सारे कंपनीज के बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट थिंग फिर यहाँ पे देख सकते हो, दैट दीज आर द फेवरेट कोर्सेज पर आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट थिंग जो ट्रेंडिंग कोर्स है, DSA का सेल्फ पेस कोर्स, कंप्लीट इंटरव्यू का प्रॉपर प्रिपरेशन, उसके ऊपर जो बेस्ट ऑफर्स है ना वो चल रहे हैं। उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे जो नए नए कोर्सेज है वो भी यहाँ पे लिस्ट आउट हुए हैं, डेटा साइंस का कोर्स लिस्ट आउट हुआ है, उसके बाद फिर रिएक्ट जेएस का लिस्ट आउट हुआ है, उसके बाद फिर CSS का। तो वो अपने हिसाब से आप लोग जो भी कोर्स सीखना चाहते हो यहीं से जाके आप लोग सीख सकते हो, कोई भी जो भी आपको ना बेसिक से सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है भाई आपको प्रेफर्ड नॉलेज चाहिए ही इसी चीज़ का तभी सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सीख सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद इवेंट्स देख लो, दैट आर यूर देर आर नंबर ऑफ इवेंट, दैट इज गीकी डिस्कॉर्ड, उसके बाद फिर गेट अ जॉब, लोड एंड कोड मोर, उसके बाद लाइव लर्निंग, उसके बाद फ्रीबीज हैं, कोड फॉर डीम, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। उसके बाद जब आप यहाँ जाओगे ना, फ्लैश सेल्स एंड इंस्टॉल ऑफ द डे, मतलब फ्लैश सेल्स भी चलेंगे जब ये कल चालू, दैट इज 5th April को चालू होगा, तो यहाँ पे फ्लैश सेल्स आएंगे जो थोड़ी देर के लिए आएंगे, पर डे के लिए आएंगे, स्टेल ऑफ द डे आएगा तो उस पर आपको देख सकते हो। उसके स्पिन अ व्हील आप कर सकते हो, दैट इज यहाँ पे अपना नाम डालोगे, ईमेल आई डालोगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, उसके बाद ये व्हील प्रॉपर स्पिन होगा और वहाँ पे ऑफर्स दिखाएंगे कि भाई आपको ऑफर्स क्या मिलने वाला है। तो इसका मैंने प्रॉपर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दैट इज ऑफ गीक्स और गीक्स, गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉपर लिंक दिया हुआ है, अभी जाके इसमें देख लो एक बार, देखो हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें आपको मिल जाए वहाँ से, नए कोर्सेज कोई मिल जाए, कोई चीज़ें आपको सीखनी हो वो एकदम डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा हो, तो अभी जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उठा लो, ट्राई करो। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, टेक महिंद्रा में आई हुई है जॉब, एंड यू कैन सी हियर दैट दिस इज माई वेबसाइट ऑफ देसी मास्टर, और यहाँ पर मैं सब कुछ लिस्ट आउट करता हूँ, वट एवर काइंड ऑफ थिंग्स आर, वट एवर काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर, सब कुछ यहाँ पर लिस्ट आउट करता रहा, एक्सेल का कोर्स भी नीचे लिस्टेड है, यूज कर सकते हो यहाँ से भी आप, आपको यहाँ पे देखो दैट इज ग्रेट रेज्यूमे के ऊपर प्रॉपर पोस्ट है, उसके बाद फिर वीडियो के साथ है, उसके बाद यहाँ पे HR क्वेश्चंस के ऊपर है, वो भी देख सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे दैट इज अप्लाई हियर पर टैप करूंगा, एंड यहाँ पे देख सकते हो दैट इज इट इज naukri.com। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, भाई फेक तो नहीं है, सबसे पहली चीज मैं वो वेरीफाई करवा देता हूँ। दैट इज जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ से आप देख सकते हो दैट इज कंपनी रिक्रूटर ऑफ टेक महिंद्रा, गुरजीत सिंह नाम है इनका, एंड ही इज अ कंपनी रिक्रूटर ऑफ टेक महिंद्रा, जो यहाँ से रिक्रूट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि भाई ही हैज बीन एक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट दैट इज naukri.com फ्रॉम लास्ट 30 days, मतलब डेली ये लोग मतलब आ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, पोस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली एक्टिवली हायर कर रहे हैं, अर्जेंट हायरिंग है, डेफिनेटली आपको आप इतना भरोसा कर सकते हो चीज़ों पे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग फिर जैसे मैंने बताया आपको एजुकेशन, कोई भी ग्रेजुएट से, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यूज, एक रुपए के भी इश्यूज नहीं होने वाले हैं, सारे लोग एलिजिबल हैं, सारे, कोई भी यहां पे ये नहीं मेंशन है कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बस 15 वाले अप्लाई कर सकते हैं, बस 16 वाले अप्लाई कर सकते हैं, एनी वन कैन अप्लाई फॉर दिस, डेफिनेटली दे कैन ट्राई आउट कर सकते हैं। उसके यहां पे देखो व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, तो आप जब कस्टमर सपोर्ट की तरह जा रहे हो ना, कई चीजें जो आपको आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप कस्टमर आपके साथ प्रॉब्लम के साथ आएगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी दिखानी है और उसको सॉल्व आउट करना है जल्दी जल्दी। जो भी अप्रोच आप लोगे, जो मर्जी अप्रोच रहो, यू हैव टू क्लियर आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ हिम ओनली। नेक्स्ट थिंग, आपको एक्सेल का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आप किसी भी रोल के लिए जा रहे हो, एक्सेल का नॉलेज तो इतना जरूरी है ना भाई, टेक्निकल रोल के लिए, नॉन टेक रोल के लिए, किसी का भी नाम ले लो, ठीक है भाई, ये रोल आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में इसी वजह से मैंने कोर्स का लिंक दे दिया, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा यूज करके, जो भी है, जो ऑफर चल रहा है डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रहा था, तो आप जाके यूज कर सकते हो। उसके फिर यहां पे देख सकते हो, दैट इज कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट का है, बीपीओ काइंड ऑफ जॉब है, आपको डोमेस्टिक बीपीओ का काम करना है। उसके बाद ट्रेनिंग, वॉइस प्रोसेस, आपको क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला वो सारा चीज मैं बता देता हूं। स्टार्टिंग से चालू करते हैं, दैट इज द रोल, द लोकेशन विल बी पुणे, पुणे आपका लोकेशन होने वाला है, एंड लोकेशन फिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं है कि भाई पुणे के लिए यहां पे लिखा हुआ तो पुणे में ही हायरिंग होगी, वो चेंज होता है सकता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, बिकॉज ऐसा नहीं है एक ही कंपनी है टेक महिंद्रा जो एक ही जगह है, वो नंबर ऑफ जगह है, मल्टीनेशनल कंपनी है, डेफिनेटली हर एक बड़े शहर में, हर एक पास से पास शहर में है, तो डेफिनेटली आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, फिर क्या चीज आपको देखनी है, दैट इज पैकेज के बारे में लिखा हुआ है टेक महिंद्रा, यहां पर सारी चीज लिखी हुई है। तो यहां पर देखो, जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर देखो, दैट इज जॉब हाईलाइट्स क्या है बेसिकली। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास ग्रेजुएट, अगर आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स का आपको पास एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस का, तो एक बहुत ही एडेड एडवांटेज होने वाला है। नेक्स्ट थिंग, फिर यहाँ पे देखो, डायरेक्ट डिजायर्ड स्किल्स आपकी क्या है, कि भाई आपको मराठी आती है अगर, बहुत अच्छी चीज़ है, हिंदी इंग्लिश आती है, दैट इज एनफ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट थिंग, कस्टमर सर्विस, आपको कस्टमर सर्विस में अच्छा होना है, मल्टी टास्किंग होना है, यू नीड टू हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक कोई भी रोल के हो भाई, आजकल कंप्यूटर का नॉलेज सबके पास होता है, डेफिनेटली होना चाहिए। उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे देखो, दैट इज करियर ग्रोथ एंड लर्निंग, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इट इज, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी है चीजें यहां पे। उसके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में भी लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या चीजें होने वाली है। सबसे पहला जब अप्लाई करोगे तो एचआर स्क्रीनिंग होगी, रेज्यूमे स्क्रीनिंग जिसको कहते हैं, कि भाई जो आपने अप्लाई कर रहे हो, जो रोल है उससे मैच आउट भी कर रहा है कि नहीं, वो एचआर आपका स्क्रीनिंग करेगा। दूसरी चीज क्या होगी, दैट विल बी अ पर्सनल इंटरव्यू, कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद वर्सन टेस्ट होगा, रिटन वर्सन टेस्ट, दैट विल बी प्रॉपर ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्सन टेस्ट बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे आप इंग्लिश को लिख रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन, ये सारी चीजें पे मैटर करता है, वही सारी चीजें देखता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा हुआ है, टेक महिंद्रा का ही है। रोल के बारे में लिखा हुआ, दैट इज अ फुल टाइम रोल, कस्टमर सक्सेस का रोल है। आपको अप्लाई कैसे करना है वो तो आपको बहुत ईजी है, मतलब नॉर्मल आपको क्या करना है, डायरेक्टली टैप करना है अप्लाई नाउ पे। उसके बाद अगर आपका प्रोफाइल पहले से क्रिएटेड है, लॉग्ड इन है, आप डायरेक्टली, जैसे मेरे यहाँ देख सकते हो ना, मेरा पहले से लॉग्ड इन अकाउंट, तो मैंने जब भरा होगा, मैंने पहली बार अकाउंट क्रिएट किया होगा, सारी चीजें मैंने डाली होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी एजुकेशन, सारी चीजें मैंने एक एक करके डाली, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है एक ही कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ढेर सारी कंपनीज और डायरेक्टली हायर कर रही हैं यहाँ से, naukri.com से डायरेक्टली आप लोग देख सकते हो, वो देखना पड़ेगा वेरीफाइड है नहीं है। आपसे कोई भी पैसे नहीं लेती, कोई भी कंपनी अगर जॉब के लिए आपको बुला रही है ना, आपसे पैसे नहीं लेगी, भैया आपको इतना पैसा पहले पे करना पड़ेगा तब ऑफर लेटर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अप्लाई यहाँ पर टैप किया मैंने, फिर यहाँ पर पूछेगा वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव तो डाल दो, उसके बाद की स्किल्स अपना पूछेगा, देन यू हैव टू अपडेट एंड अप्लाई और स्किप एंड अप्लाई। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, दैट इज दिस जॉब हैज़ बीन अप्लाइड, ये अप्लाई हो चुका। आप कैसे अप्लाई हुआ भाई, पहले ही मैंने यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना के रखा हुआ है, आप लोग अपना प्रोफाइल बना के रख लो, अपडेट कर लो अच्छे से, मैंने आप तो अपडेट सही से नहीं किया, बट आप लोग अच्छे से अपडेट कर लो, चीज़ों को टिप टॉप रखो, चीज़ों को एकदम अपडेट रखो, ईजी रहे सामने वाले के पढ़ने के लिए, तो आपका थोड़ा सा रेज्यूमे भी अच्छा लगता है, हर एक चीज़ अच्छी लगती है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, दैट एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया, सिमिलरली यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज ढेर सारे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेल का कोर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज हो गए, VCS का राउंड के ऊपर चीज़ें हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें जो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट कर सकती हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। और मैंने जो आपको कह रहा मैं, गीक्स फॉर गीक्स का कार्निवल जो हो रहा है, फेस्टिवल कार्निवल समर, गीक्स फॉर गीक्स समर कार्निवल जो हो रहा है बेसिकली 5th अप्रैल से लेके क्या नाम है जल्दी जल्दी 11th अप्रैल तक हो रहा है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो भी बहुत अच्छे फ्रीबीज हैं। उसके बाद फिर आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, आपको नंबर ऑफ क्या नाम है इवेंट्स हो रहे हैं, जॉब्स के लिए, कोर्सेज के लिए, सबके लिए डेफिनेटली आप लोग यूज कर सकते हो, उसको देख सकते हो जाके एटलीस्ट। तो ये सारी चीजें थे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट जरूर कर देना, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए ज्यादा नहीं बोला इसी वजह से ताकि आप लोग इरिटेट ना हो, और यही सारी चीजें हम लोग पोस्ट करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, अपना ध्यान रखना जरूर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।